जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए, और जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बुधवार 21 फरवरी को विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। सदन के अंदर वेल में आकर महागठबंधन के विधायक हंगामा करने लगे। महागठबंधन के विधायक बीजेपी एमएलए शैलेंद्र के बयान से नाराज थे। महागठबंधन के विधायकों ने कहा कि बीजेपी विधायक शैलेंद्र ने आरजेडी के विधायक राम वृक्ष सदा को गाली दी, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, माफी मांगने का नारा लगाने लगे, कहा कि दलित का अपमान किया गया है। महागठबंधन के विधायक नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। इस पर नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश कुमार ने कहा कि हमको मुर्दाबाद अपना जिंदाबाद का नारा लगाते रहिए। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अगली बार और कम संख्या में आइएगा। आप लोग जिंदाबाद, आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए, और जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्या नहीं कर दिया। हालांकि महागठबंधन के विधायक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, नारेबाजी करते रहे, सदन के अंदर वेल में धरने पर बैठ गए। हंगामे के बाद सदन से महागठबंधन के विधायक वॉकआउट कर गए। विधानसभा परिसर में आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री जो आदेश देते हैं उसका कोई भी पदाधिकारी पालन करने का काम नहीं करता है। आज फिर हम लोगों को आवाज उठानी पड़ी। सीएम नीतीश कुमार ने जो मंगलवार को शिक्षा विभाग को आदेश दिया उसका अनुपालन नहीं हुआ, और खड़े होकर नीतीश कुमार गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पत्र में लिखा है 10 से 4 बजे तक स्कूल चलेगा, लेकिन जो शिक्षकों को आदेश दिया गया था वो पहले के जैसा रहेगा, यानी शिक्षक 8:30 बजे तक स्कूल पहुँचेंगे, ये तुगलकी फरमान है। जो सदन होता है, विधानसभा होता है, वो लोकतंत्र की मंदिर है, और बिहार के आम आवाम की आवाज़ ये है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं और कोई आदेश और घोषणा करते हैं उसका अनुपालन पदाधिकारी नहीं करते हैं, तो हमको लगता है कि ये मुख्यमंत्री विहीन ये बिहार हो चुका है। इसलिए मुख्यमंत्री अपने पर विचार करें, और उनको एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने सदन में कल कहा था कि जो सरकारी स्कूल हैं सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलेंगे। के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं, आदेश तो निकाले, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 9 बजे से चेतना सत्र होगा, अटेंडेंस लगाना होगा, इसलिए बच्चे 9 बजे आएँ, स्कूल का गेट 8:30 बजे खोल दिया जाए, टीचर 9:01 पर नहीं पहुँचेंगे तो उनका वेतन काट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं वो क्या लगता है कि सीएम की बात नहीं सुन रहे? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पदाधिकारी सीएम को ये सोचना चाहिए, सीएम को, कि जो पदाधिकारी हमारे आदेश का अवहेलना कर रहा है और पूर्ववर्ती आदेश को ही वो कह रहा है कि वो लागू रहेगा, लेकिन विद्यार्थी जो है 10 बजे से 4 बजे तक क्लास होगा और जो आदेश है वो पूर्ववर्ती रहेगा, तो फिर मुख्यमंत्री के घोषणा का क्या हुआ? मुर्दाबाद, आप लोग जिंदाबाद, आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए, और जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्या नहीं कर दिया। सारा काम, एक मिनट, सारा काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप गड़बड़ कर रहे थे तो आप ही लोग कर रहे थे, अभी हम सबको सुधार कर दिया, एक एक काम कर दिया।
और अब आप लोग बोल रहे हैं, और कल ही हमने कह दिया लागू हो गया, और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, ये आपका अधिकार है। सरकारी अधिकारी को किसी चीज से हटाने का और उसका मांग करना आपका गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। और आप लोगों को जितना मर्जा करना है उतना जोर से हंगामा करिए, और यही करते करते 2 साल के अंदर आप क्षेत्र में हंगामा करते रहिएगा। बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठिए।